हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब खुद दर से रोके साहेबजादे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, अल्लाह तबारक ताला इनके मरातिब को बुलंद फरमाए, सारी दुनिया के मुसलमान इनसे फैज उठा रहे हैं। हजरत एक जगह इस्तेहाद और तकलीफ की बात को अर्ज करते हुए एक जगह तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा गैर मुखलिफ भाई के पास ये बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और उसने आहिस्ता से बम को छोड़ दिया जिसकी बदबू सारी मस्जिद के अंदर आ रही थी। उसके बाद नमाज को तो मुकम्मल कर लिया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला आपने जो है आइटम बम को तो छोड़ दिया, क्या इससे वजू नाकिज नहीं होता? तो वो साहब कहने लगे तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है जिसके अंदर ये बात अर्ज की गई है, जब तक साउंड ना आए, माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा इसके बीच, जब तक साउंड ना आए वजू जो है नहीं टूटेगा। ये इश्तहाद हमारा इमाम कोई मसला बयान करता है, हजरत थानवी बहश्ती जेवर में कोई मसला बयान करते हैं, फजाइल आमाल में हजरत शेख कोई वाकया बयान करते हैं, उसमें से बाल की खाल निकालता है और बीज निकालता है और जो है माइक्रोफोन इसके जो है दुबर के पास लगाकर मस्जिद में आने के लिए तैयार है। ये सब जो है फितने हैं, इश्तहाद ये सब फितने हैं अइम्मा के रास्ते से हटने के, और ये सब खराबियां हैं बुजुर्गान दीन के कलादे को निकालने से। कुरान इतना सस्ता नहीं है, चप्पल के सीने में तो चमार का मोहताज है, मोरी के बनाने में, मोरी को संवारने में भंगी का मोहताज है। एक शरीयत हो रह गई और एक कुरान और हदीस रह गया कि जिसे हरकतों नाकस समझ सके। तेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता खुद से पढ़कर, और डॉक्टर नहीं बन सकता, मुफस्सिर बन जाएगा, इतना खिलौना है। हजरत माज को मसला ना मिले, सहाबा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर की इक्तदा करना, उसके बाद उमर की इक्तदा करना, उसके बाद इनके तौर तरीकों की इक्तदा करना, इत्तबा करना, तकलीद करना। सहाबा को कहा मेरा इत्तबा, अबू बकर का इत्तबा, उमर की तकलीद, हजरत से सहाबा को हुक्म दिया और तुझे आजादी कि जो चाहे तो कुरान से मसला निकाल ले और जो चाहे तो हदीस से मसला निकाल।